हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे खेल प्रशिक्षण यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो चलिए कुछ थ्योरी सेशन देख लेते हैं इसका कि ये है क्या चीज। खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण में ट्रेनिंग शब्द मानव भाषा का एक अंग रहा है जो किसी कार्य को करने के लिए तैयारी की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह प्रक्रिया दिनों, महीनों तथा वर्षों तक चलती है और ट्रेनिंग शब्द का प्रयोग खेलों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। खेल ट्रेनिंग की निम्नलिखित परिभाषा है, ये जैसे दिनों, महीनों और यह है, ये आपका इम्पोर्टेंट चीज है। इससे क्वेश्चन बनता है, यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से खिलाड़ी को उच्च प्रदर्शन के लिए तैयारी या तैयार किया जाता है। खेल प्रशिक्षण विभिन्न खेल विज्ञानों का योग है जिसमें औषधि विज्ञान, गति विज्ञान, जैव यांत्रिकी विज्ञान, खेल कार्य वृद्धि और विकास तथा शिक्षा आदि विषय सम्मिलित हैं। खेल प्रशिक्षण एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ी को खेल प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना होता है। खेल विशेषज्ञों के अनुसार, देखिए मार्टिन के अनुसार है 1979, खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और खेल प्रदर्शन में होने वाले वृद्धि का पता चलता है। कार्य करने की योग्यता के साथ साथ व्यवहार और अन्य मनोवैज्ञानिक तथ्यों का पता चलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका परिभाषा है। मैटविज्यू 1981 के अनुसार खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी के आधार स्वरूप है। शारीरिक दक्षता या अनुकूलन, खेल ट्रेनिंग द्वारा शारीरिक दक्षता के कारकों का विकास होता है और खिलाड़ी का शरीर खेल के प्रति अपना सामंजस्य बैठा लेता है। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक तैयारी होता है, ठीक है, मूल्यांकन तो इसको देख लेते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ी का मूल्यांकन किया जाता है योजनाबद्ध तथा नियमित तरीके से। प्रशिक्षक, चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक तथा यांत्रिकी विशेषज्ञ की मदद से खिलाड़ी के प्रदर्शन के विकास के लिए प्रयास करता है। इसको और देख लीजिएगा, पॉइंट जो है युक्तिपूर्ण क्षमता है और शैक्षणिक प्रक्रिया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं खेल प्रशिक्षण के कारक, कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका शक्ति, स्ट्रेंथ। तो इसमें अधिकतम शक्ति, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्यूरेंस एंड, ये आपके तीन हो गए, शक्ति, सहनशीलता, विस्फोटक शक्ति। और ये कैसे प्रयोग होता है इसको हम लोग, आप लोग पॉज करिए वीडियो को और इसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको इसका स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को नए होंगे तो। अधिकतम शक्ति है विस्फोटक शक्ति, प्रारंभिक शक्ति हो गया, उसके अंतर्गत आपका शक्ति चाल कैसे होता है, ये सभी चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। जिसके पास बुक उपलब्ध नहीं होगा वो इसको आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स रहेंगे उसको मैं जरूर पढ़ूंगा। शक्ति, सहनशीलता, इंड्यूरेंस, सहनशीलता, शक्ति, इंड्यूरेंस, स्ट्रेंथ, तैराकी, साइकिलिंग, ये क्वेश्चन बनता है इस टाइप से। जैसे कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, यह वह क्षमता है जो थकान की स्थिति में निम्न प्रतिरोध के विरुद्ध या निम्न प्रतिरोध को हटाती है। तो इसमें तैराकी है, साइकिलिंग है, क्रॉस कंट्री मैराथन आदि, ये सभी इसमें आते हैं इंड्योरेंस स्ट्रेंथ में। तो इंड्योरेंस स्ट्रेंथ में कौन सा खेल आता है करके क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के अंतर्गत कौन सा खेल आता है करके पूछा जाता है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो गतिशील स्थिर डायनेमिक स्ट्रेंथ हो गया, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ कहते हैं इसे, ठीक है, डायनेमिक जो गतिशील स्थिर होता है उसको, ठीक है। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गया आपका डायनेमिक, कॉन्सेंट्रिक मेथड, ये सब चीज़ को पढ़ लीजिएगा थोड़ा से, इसका ऑब्जेक्टिव ही बनाऊंगा मैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंस मेथड महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ लेते हैं। अधिकतम प्रतिरोध विधि यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस मेथड, इस विधि में अधिकतम शक्ति और विस्फोटक शक्ति दोनों को ही विकसित किया जाता है और इसमें भार कारकों को निम्नलिखित प्रकारों में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें 80% टू 100% तीव्रता इतना होता है पूरा और आवृत्ति 1 से 10 बार इसको किया जाता है।
इसमें सेट 3 से 10 बार का सेट लगाया जा सकता है, चाहे उसको आपका 100 मीटर का रेस करा सकते हैं या फेंक का या जंप का, कोई भी एक एक्सरसाइज को खेल को लेकर के कराया जाता है। मध्यम प्रतिरोध यानी सब मैक्सिमम रेजिस्टेंस मेथड, इसमें क्या किया जाता है कि खिलाड़ियों को अधिकतम और विस्फोटक शक्ति को एक ही साथ एक ही समय में विकसित किया जाता है और भार कारकों को इस विधि में निम्नलिखित रूप से व्यवस्थित किया जाता है। इसकी तीव्रता कितना होता है, 50 से 80% का होता है, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, मध्यम रहता है, और इसको 6 से 12 बार का सेट कराए जाते हैं, सेट 3 से 5 होता है, आवृत्ति इसका 6 से 12 बार कराते हैं। क्षतिपूर्ति जो है होता है इसका पूर्ण किया जाता है इसमें, ठीक है, 3 से 5 मिनट तक उसको आराम दिया जाता है विस्फोटक प्रकार की क्रियाएं में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मंद एवं केंद्रित विधि, स्लो मेथड। इस विधि में मांसपेशियां इंसेंट्रिक रूप से संकुचित होती है और बल जो है 100% से अधिक होता है, ठीक है, पूरा बल से भी अधिकतम बल लगाया जाता है। इसमें खिलाड़ी अपनी अधिकतम शक्ति योग्यता से अधिक प्रतिरोध को धीरे धीरे कम करता है। इस विधि में भार कारकों को निम्नवत व्यवस्थित किया जाता है, तीव्रता लगभग 120% होता है इसमें, 10 से 35% अधिकतम शक्ति से अधिक वो लगाता है शरीर में। पुनरावृत्ति इसका 1 या 2 बार से अधिक सेट होना चाहिए, सेट जो होता है आपका 6 से 8 बार, ज्यादा नहीं किया करना है। क्षतिपूर्ति काल पूर्ण 3 से 5 मिनट सेटों के मध्य में, संकुचन का काल 4 से 6 सेकेंड, ठीक है, यानी आराम के लिए मैं ज्यादा नहीं देते हैं। प्रतिक्रियात्मक विधि, रिएक्टिव मेथड, इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए थोड़ा से। इसमें आपका जो है सीधा रेखा में रख कर खिलाड़ी बॉक्स के ऊपर जमीन पर जंप करता है, जिसमें मांसपेशी संकुचित होने के पहले प्रकुचित होती है। इसमें बॉक्स की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक रखते हैं, जंप कराते हैं, ठीक है, ये आपका प्रतिक्रियात्मक विधि है। ये जंप पंजों पर किया जाना चाहिए, न कि एड़ी पर, ठीक है, पंजों पर ही करेंगे। जंप की संख्या प्रशिक्षण के दौरान 50 होनी चाहिए। तो ये प्रतिक्रियात्मक विधि में ये एक्सरसाइज कराया जाता है, इस विधि का उपयोग किया जाता है, देख लीजिएगा। इसको 6 से 10 बार किया जाता है, क्षतिपूर्ति समय इसमें 5 से 8 मिनट इसको आराम दिया जाता है। आइसोकाइनेटिक विधि, अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। इस विधि द्वारा शक्ति का विकास विशेषज्ञ की उपस्थिति में आइसोकाइनेटिक मशीन या उपकरण पर विभिन्न विस्फोटक प्रकार की शारीरिक, ये मशीन से होता है, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। इसमें मांसपेशी संकुचन विशेष प्रकार का होता है, जो कि गतिहीन और गतिशील संकुचन का मिश्रण है, इसे आइसोकाइनेटिक संकुचन कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, उपकरण, ठीक है, मशीन या उपकरण पर ये विस्फोटक प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को होता है। स्टैटिक विधि, स्टैटिक मेथड, इस विधि में शक्ति को विकसित करने के लिए आइसोमेट्रिक अभ्यासों का प्रयोग किया जाता है। भार कारकों का इस विधि में निम्नवत व्यवस्थित किया गया है, यहाँ देख लीजिए, तीव्रता इसका 40 से 50%, प्रशिक्षित व्यक्ति 90 से 100% कर सकता है। एक संकुचन का समय होता है 30 सेकेंड और 6 से 8 सेकेंड। पुनरावृत्ति 5 से 8 बार होना चाहिए और प्रशिक्षित जो है उनके लिए आपका 6 से 9 बार कर सकते हैं। क्षतिपूर्ति काल होता है इसका पूर्ण, इसमें क्षतिपूर्ति काल दिया जाता है और ये 30 से 90 सेकेंड बस करते हैं, 1 से 1.5 से 1.5 मिनट तक। विस्फोटक शक्ति, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ तथा शक्ति सहनशीलता को विकसित करने वाली विधियां, तो ये बहुत ही, ये भी सब इम्पोर्टेंट है। इसमें विस्फोटक शक्ति विशिष्ट गामक योग्यता है, जिसका विकास विशिष्ट एवं प्रतियोगिता व्यायामों के माध्यम से किया जाता है। विस्फोटक शक्ति प्रकार की क्रियाओं का प्रदर्शन संकुचन की गति, चाल, आंतरिक और बाह्य मांसपेशी समन्वय और मांसपेशी की रचना पर निर्भर करता है। विस्फोटक शक्ति विशिष्ट खेल क्रिया से ही संबंधित होती है। इसकी प्रकृति विभिन्न खेलों में अलग अलग पाई जाती है, जहाँ पर उच्च प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। विस्फोटक शक्ति को विकसित करने वाली विधियां निम्न दो प्रकार से हैं। व्यायामों को बदलते हुए, विशिष्ट एवं प्रतियोगिता व्यायामों को बदलते हुए प्रतिरोध के से
साथ के साथ होना चाहिए प्रयोग, यूजिंग स्पेशल एंड कॉम्पिटिशन एक्सरसाइज विथ चेंज रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट देखते हैं। विभिन्न प्रकार की जंप को अतिरिक्त भार के साथ करना, जैसे कि जंप के दौरान शरीर के भार का 3 से 5% का भार जैकेट पहनना, ठीक है, भारी और हल्के शॉर्ट पुट का जो है प्रक्षेपण करना, कुश्ती और जूडो में अपने साथी से अधिक और कम भार वाले साथी के साथ अभ्यास करना आदि, ठीक है। वो जो खेल है उसके अनुसार, जैसे इसमें जूडो कुश्ती वाले हैं तो उस आप 45 kg के हो तो सामने वाले को 55 kg 10 kg ज्यादा वाले के साथ फाइट करके देखोगे, उससे फिर उसमें रेजिस्टेंस दिया जाता है ताकि वो जब कंपटीशन में हो तो उसको आसानी से जो सामने वाले अपने सामान्य भार वाले को आराम के साथ कर सके। ये तो सामान्य बात है। चलिए गहन अंतराल विधि, इंटेंसिव इंटरवल मेथड। इस विधि में प्रतियोगिता से मिलते जुलते व्यायामों को उपयोग में लाया जाता है। यह विधि दलीय और प्रतिद्वंद्वात्मक खेलों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होती है। भार ट्रेनिंग व्यायामों के लिए जो है स्कोलोसिस 1988 द्वारा प्रस्तावित भार कारकों में तीव्रता लगभग 70% से 80% आवृत्ति 8 से 12 बार और क्षतिपूर्ति काल 90 सेकंड से 3 मिनट तक, 2 सेटों के मध्य और गति की चाल विस्फोटक प्रकार की बतलाई है। इसमें देखने वाली बात है ये आपका अंतराल विधि देख लीजिए, ठीक है। अंतराल विधि में कैसे आपको वेट कैसे व्यायाम कराना है, कितना अंतराल होना चाहिए, ठीक है, कितने व्यायाम में कितने अंतराल होना चाहिए इसको पढ़ लीजिए। फिर गहन अंतराल और अधिक कितना अंतराल देना है और ज्यादा उसके लिए है। फिर उच्च प्रतिरोध पर विशिष्ट प्रतियोगिता के व्यायामों के प्रयोग से, ठीक है, मैं स्लो कर दे रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा ताकि इसका मैं जब ऑब्जेक्टिव डालूं तो आप लोग तुरंत गेस कर लें आंसर को। चक्री ट्रेनिंग विधि, सर्किट ट्रेनिंग मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको चलिए देखते हैं। चक्री ट्रेनिंग शक्ति सहनशीलता के विकास की सबसे प्रभावी विधि है, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यायामों को एक परिपथ में तैयार कर अभ्यास किया जाता है। चक्री ट्रेनिंग मुख्य रूप से लगातार विधि, पुनरावृत्ति विधि और अंतराल विधि के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यह बहुत ही प्रचलित ट्रेनिंग है जिसमें विभिन्न व्यायामों को एक लगातार विभिन्न स्थानों पर परिपथ यानी कि रास्ता बनाया जाता है एक के बाद एक में किया गया है, और जिसमें विशिष्ट एवं सामान्य दोनों की प्रकार के व्यायाम सम्मिलित होते हैं। चक्रीय ट्रेनिंग को अभ्यास की जो है प्रकृति के आधार पर सामान्य सर्किट ट्रेनिंग एवं विशिष्ट सर्किट ट्रेनिंग में बांटा गया है। सामान्य सर्किट ट्रेनिंग और विशिष्ट सर्किट ट्रेनिंग इसको आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद स्पीड है उसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस वीडियो में चलिए इसको भी कवर कर ही देते हैं, ज्यादा देख लीजिएगा आप लोग, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ोगे तो आप लोग को थ्योरी समझ में थोड़ा आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव इतना ज्यादा दूंगा आप लोगों को कि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। स्पीड है, स्पीड को हिंदी में चाल अथवा गति कहते हैं। यांत्रिकी व भौतिक विज्ञान की दृष्टि से कम समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह भी गामक योग्यता है जो कि जटिल प्रकृति की होती है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती है। चाल को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है, चक्रीय चाल, इसको देख लीजिएगा, अचक्रीय चाल, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं। उदाहरण के लिए बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक आदि चाल योग्यताओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। प्रतिक्रिया योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी, गति की चाल, स्पीड ऑफ मूवमेंट, त्वरण योग्यता, एक्सीलरेशन एबिलिटी, प्रचलन योग्यता, लोकोमोटर एबिलिटी, चाल सहनशीलता, स्पीड एंड्यूरेंस। तो देख लीजिएगा इसको, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है आपका, सभी पॉइंट को देख लीजिएगा, गति की चाल, त्वरण योग्यता, प्रचलन योग्यता, चाल सहनशीलता। पॉज करके पढ़ लीजिएगा अगर टाइम है तो, या तो आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो इसका मैं अगला जो है पहले ऑब्जेक्टिव बना देता हूँ, फिर बाकी का थ्योरी भी देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। साधारण प्रतिक्रिया योग्यता, पुनरावृत्ति विधि, रिपीटेशन मेथड, अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रतिक्रिया योग्यताओं को संकेतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। देखकर प्रतिक्रिया, विजुअल रिएक्शन, सुनकर प्रतिक्रिया, रिपीटेशन मेथड में आता है अंश विधि।
ये आपके लेसन प्लान में आप बनाते ही हैं इसको, संवेदी विधि, सामान्य विधि, ठीक है। उदाहरण के लिए 100 मीटर की दौड़ प्रथम बार के प्रतिक्रिया समय 1.2 सेकेंड, इसके बाद 1.1 सेकेंड और तीसरी बार प्रतिक्रिया समय 1.0 सेकेंड। तो इस प्रकार से ये विधि है, इसको एक एक करके पढ़ लीजिएगा। जटिल प्रक्रिया योग्यता, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, इसमें क्या होता है, बास्केटबॉल को बास्केट में डालने के लिए पूर्वानुमान को विकसित करना पड़ता है। पूरा पढ़ लीजिएगा थ्योरी, आप लोग को इसका जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा वो इतना आसान लगेगा कि तुरंत कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही वीडियो, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।